हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 888 प्लस जो कि अभी ही गर्मा गर्म लॉन्च हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे एक्सिनोस 2100 से एंड पता लगेंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर पहले पार्ट में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में एंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बात करेंगे चिपसेट के फीचर्स के बारे में। बात करते हैं दोनों के सीपीयू की, तो आप देख सकते हो दोनों में ही हमें सेम कोर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। बट अगर बात करते हैं क्लॉक स्पीड की, तो यहाँ पर जो X1 कोर है जो कि एकदम ही हायर पावरफुल वाला कोर है, वो यहाँ पर ज्यादा क्लॉक स्पीड पे क्लॉक्ड है स्नैपड्रैगन 888 प्लस में। ऑल्दो ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं है, दोनों ही लगभग 2.9 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, स्लाइटली ज्यादा क्लॉक स्पीड में मिलती है स्नैपड्रैगन 888 प्लस में। एंड अगर बात करते हैं सेकंड क्लस्टर की, तो यहाँ पर हमें क्लॉक स्पीड ज्यादा मिलती है एक्सिनोस 2100 में। तो ऑलराउंड अगर मैं एक सम अप बताऊं कि अगर मेजॉरिटी कोर्स की बात करें तो वो एक्सिनोस 2100 में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज क्लॉक स्पीड ऑलराउंड ज्यादा है। बट अगर सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस बेटर परफॉर्म करने वाला है। रैम की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम रैम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। बट यहाँ पर जो LPDDR5 वाला जो रैम है, अगर स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ में दिया जाता है तो वो 3200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे भी रन कर पाएगा, जो कि इसको बेटर बना देता है ओवर एक्सिनोस 2100। जीपीयू के मामले में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस में कोई अपग्रेड नहीं दिया गया है ओवर स्नैपड्रैगन 888, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली वही एड्रिनो 660 जीपीयू मिलता है जो कि 5 NM पे बेस्ड है। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा बेटर है, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस का जो जीपीयू है वो काफी बेटर है। इवन स्नैपड्रैगन 888 का जीपीयू बेटर था, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस का जो जीपीयू है वो भी बेटर ही निकल के आता है। अगर बात करते हैं रैंकिंग की एंड स्कोर, तो जीपीयू स्कोर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 888 प्लस का 131.3 एंड ये रैंक करता है सेकंड पोजीशन पे। ऑन द अदर हैंड एक्सिनोस 2100 यहाँ पे स्कोर करता है 119.7 एंड रैंक करता है 7 पोजीशन पे। तो जीपीयू के मामले में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर दोनों में ही QHD प्लस तक के डिस्प्ले को लगाया जा सकता है, बट यहाँ पर एक्सिनोस 2100 में और एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो है कि यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले को भी लगाया जा सकता है जो कि 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। ऑल्दो स्नैपड्रैगन 888 प्लस में वो हमें फीचर नहीं मिलता। एंटीटू की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस का अभी तक एंटीटू आया नहीं है, बट ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि जो एंटीटू स्कोर है वो एक्सिनोस 2100 से काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। गीगबेंच स्कोर यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल कोर में 1171 स्कोर कर लेता है स्नैपड्रैगन 888 प्लस एंड यहाँ पर मल्टी कोर में 3704 के आसपास स्कोर कर लेता है स्नैपड्रैगन 888 प्लस। ऑन दी अदर हैंड एक्सिनोस 2100 यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर करता है, बट अगर मैं ऑलराउंड बताऊँ कि कौन सा बेटर है, तो आप देख सकते हो सिंगल कोर में जैसे मैंने बताया था स्नैपड्रैगन 888 प्लस अच्छा स्कोर करता है एंड मल्टी कोर में यहाँ पर अभी भी एक्सिनोस 2100 काफी अच्छा स्कोर कर रहा है। सेंचुरियन मार्क एंड रैंकिंग की बात करें, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस सेकंड नंबर पर रैंक करता है वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ विद अ स्कोर ऑफ 158। ऑन दी अदर हैंड एक्सिनोस यहाँ पे स्कोर करता है 156 एंड ये रैंक करता है थर्ड पोजीशन पे। पहले पोजीशन पे एप्पल A14 बायोनिक है, सेकंड पोजीशन पे स्नैपड्रैगन 888 एंड 888 प्लस है एंड थर्ड पोजीशन पे एक्सिनोस 2100 है। तो परफॉर्मेंस वाले पार्ट को यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सम अप कर देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस काफी ज्यादा बढ़िया है जीपीयू में, सीपीयू में सिंगल कोर में बेटर है एंड यहाँ पर मल्टी कोर में बेटर है एक्सिनोस 2100। यहाँ पर रैम में स्नैपड्रैगन 888 बेटर निकल के आता है। ऑल्दो यहाँ पर जो स्कोर है हमें थोड़ा बहुत गीगबेंच में 19-20 देखने को मिलता है, बट एंटीटू जब आएगा तब स्नैपड्रैगन 888 प्लस काफी बढ़िया स्कोर उसमें दिखाने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, अभी हम कंपेयर करते हैं दोनों के की फीचर्स को। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों ही इक्वल है, यहाँ पर दोनों में हमें 8K तक का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों यहाँ पर 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K फुटेज को एंड 4K फुटेज को भी आप ऑफकोर्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो 120 FPS पे। मॉडल में यहाँ पर दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर जो डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो आपको 19 भी देखने को मिलेगी, मतलब डाउनलोडिंग आपको ज्यादा मिलेगी स्नैपड्रैगन पे, जबकि यहाँ पर जो अपलोडिंग स्पीड है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है एक्सिनोस 2100 पे। ऑल्दो इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है। कैमरा सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पर बेटर सेंसर आपको सपोर्ट मिल जाते हैं, जो जो फोटोज है वो भी आपको काफी हद तक अच्छे देखने को मिलेंगे स्नैपड्रैगन 888 प्लस में। एंड स्टोरेज में यहाँ पर दोनों में ही UFS 3.1 तक के स्टोर को लगाया जा सकता है, जो कि दोनों को ही काफी हद तक इक्वल बनाता है। तो समझ करो वीडियो को, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस रॉ परफॉर्मेंस में बेटर है एंड ये सेकंड नंबर पर रैंक करता है वर्ल्ड रैंकिंग में। गेमिंग करने के लिए आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस ही
प्रिफर करना चाहिए, बट ऑल दो रियल लाइफ परफॉर्मेंस में आपको इतना फर्क नहीं मिलेगा डे टू डे लाइफ लाइक यूजेज में। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, वीडियो को पसंद है लाइक कर दीजिए, एंड ये लेफ्ट वाली वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको जानना है गूगल के व्हाइट चैपल चिपसेट के बारे में जो गूगल ने खुद अपने हाथों से बनाया है। एंड आप ये राइट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि जो लेटेस्ट कोर है ARM के वो कैसे है एंड कितने पावरफुल है ओवर द X1 कोर जिसको मैंने अभी जस्ट आपके सामने कंपेयर किया है।